अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी एक मिनट कैसी है? अच्छी नहीं है उतनी, थोड़ी बहुत ठीक ठाक एक वन टाइम अच्छे। अच्छा, अक्षय कुमार की एक्टिंग? अक्षय कुमार की एक्टिंग ही देखने के लिए, फिर और दूसरों का किसी का कुछ काम ही नहीं है। अरशद वारसी? अरशद वारसी का थोड़ा थोड़ा सा काम है, एक दस दस सेकेंड के एक एक मिनट का काम दिया गया हुआ है। रितेश अनिल? रितेश अनिल उसका ठीक ठाक काम है। स्टोरी थी फिल्म में? ये स्टोरी कुछ भी नहीं है, एकदम ओल्ड स्टोरी है। कितने सितारे देंगे पाँच में से? पाँच में से ढाई स्टार। बच्चन पाटे? ठीक ठाक ठीक ठाक। अक्षय कुमार, अरशद वारसी पहली बार साथ में, दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी? अच्छी थी। कहानी? सबसे सबसे बढ़िया पंकज त्रिपाठी का रोल लगा मेरे को। कहानी आपको लग रहा फिल्म में कहानी थी? नहीं, कोई कहानी कुछ कुछ भी नहीं। अच्छा, पाँच में से कितने स्टार देंगे आप? दो। सर क्या कहना चाहेंगे बच्चन पाटे को? स्टोरी उतनी अच्छी मिली, बीच में कहीं कहीं अच्छी कॉमेडी थी, कहीं कहीं थोड़ी बोरिंग भी लग रही थी बीच में, जैसे फेज वाइज चल रही थी, पैसा लग रहा था ऐसे कि थोड़ा लग रहा था खींच रहे हैं, लेकिन बाद में कहीं कॉमेडी आ रही थी वो अच्छी लग रही थी, तो मिक्स मेरे हिसाब से ढाई तीन स्टार। थैंक यू सर। कैसी लगी बच्चन पांडे? मुझे एवरेज लगी। अच्छा। मैंने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था, मैंने ट्रेलर देखा था, कॉमेडी है लेकिन काफ़ी रैंडम सीन्स हैं और अच्छी हो सकती थी आई थिंक, बट एज़ फार एज़ अक्षय कुमार लुक इज़ कंसर्न, उनकी लुक बहुत अच्छी है, तो उस तरह से बहुत अलग तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, तो अच्छा है, ग्रे शेड्स है काफ़ी। कहानी के बारे में क्या क्या? स्टोरी कहानी भी अच्छी है, यू नो एक सोशल मैसेज है कि दोनों पहलू देखने चाहिए, अगर कोई इंसान बुरे राह पर चल गया है तो दोनों यू नो पहलू देखने चाहिए सिक्के के, बट ओवरऑल आई वुड से दैट इट इज़ अ वन टाइम वॉच, काफ़ी एवरेज है। अरशद वारसी एंड यू नो अक्षय, द कॉम्बिनेशन, द केमिस्ट्री बिटवीन दिस टू पीपल? अरशद वारसी का छोटा रोल है, इतने कुछ खास नहीं है। कृति सैनन इज़ गुड, और अक्षय कुमार का डिफरेंट रोल है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है नया, काफ़ी अलग लुक है, तो उस तरह बहुत धमाकेदार लगते हैं पे। स्टोरी मुझे इतनी यू नो ये नहीं लगी, काफ़ी रैंडम सीन्स हैं, एडिट करना चाहिए था एडिटर को, और लंबी है, थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा इट कुड हैव बीन क्रॉप्ड बाय 15-20 मिनट्स। मैं दूंगा 2.5। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छी पिक्चर है। क्या खास लगा? अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, और बाकी लोगों का परफॉर्मेंस अरशद वारसी वगैरह का जी बहुत अच्छा था। पाँच बजे कितने स्टार देंगे? हाँ, पाँच बजे कितने सितारे देंगे? तो 5 स्टार। थैंक यू सर। कैसी लगी बच्चन पाटी? वेरी फनी, वेरी डेयरिंग, बहुत अच्छा। अरशद वारसी की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी अक्षय कुमार की? सर मुझे तो अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। पाँच बजे कितने स्टार देंगे? अक्षय कुमार जी को तो मैं 5 से 5 पूरा दूंगा। इट्स अ लवली फिल्म, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक मासी एंटरटेनर आई है। आई थॉरली एंजॉयड द फर्स्ट हाफ, द सेकेंड हाफ आई थिंक अभिषेक अक्षय कुमार शाइन्स ट्रिमेंडसली इन द एंटायर मूवी। आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच, एंड अगर आपको फैमिली के साथ आना है फैमिली के साथ आ सकते हो, बट ये मूवी सिनेमा हॉल में मिस नहीं करनी चाहिए। कितने स्टार? इजिली 3.5 एंड 4।